आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस ये क्वेश्चन जो है 2011 में सीबीएसई में आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं जो है पहले हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है डी अपॉन में डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड का एक्स अपॉन में टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसको करना है प्रूव अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो हमने जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लिख के अब जो है हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे को डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखिए कि दोनों में जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए एक्स को पहले कॉन्स्टेंट माना और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को का डिफरेंशिएशन किया। तो इसको जो है हमने मान ली एक नंबर मान लिया है, जैसे मान लिया आपने वाई ये यू मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट में टू और फिर इस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो माइनस के एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस के टू एक्स। तो अब देखिए अब फिर क्या करना है आपको अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानना है और एक्स का जो है आपको जो है डिफरेंशिएट करना है। तो टू यहाँ नहीं आएगा क्योंकि टू पहले ही हमने बाहर निकाल लिया था, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा। और अब दूसरे वाले में देखिए ए स्क्वायर बाय टू है उसको आपने जो है बाहर निकाल दिया और स्क्वायर बाय टू को और साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन जो है जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट में वन और ये एक्स बाई ए का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और एक्स बाई ए का जो हम डिफरेंशिएट दोबारा से करेंगे तो वन अपॉन में ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x और माइनस के 2x जो है आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाहर तो 1/2 था ही तो x और x अब माइनस के x मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर और नीचे में क्या आ गया आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो है दूसरी तरफ जो है वन के साथ जो है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था वो हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर लिख देना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अब दूसरा जो है आपके पास था ए स्क्वायर अपॉन में टू इंटू में जो ये था वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में वन अपॉन में ए, उसके वन अपॉन ए का जो ए था वो ए स्क्वायर के स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हमारे पास आया ए बाई टू। अब देखिए जो इधर था एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर में अगर एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का ए का स्क्वायर जो है वो क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आके ए रह जाएगा और नीचे क्योंकि था तो वो ऊपर जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह से यहाँ जो ए स्क्वायर आपने नीचे लिया है ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और ऊपर चला जाए ऊपर जाके जो है ए बाई टू में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए इधर हमने पहले की तरह जैसे कर रखे हैं इधर मैंने बताया था कि आपने क्या लेना है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन वो एलसीएम लेना है, तो हमारे पास इधर आया माइनस के एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरे तरफ जो है ये है ए बाई टू और इसमें ये जैसे पहले बताया था ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर बाई टू हो गया और हमारे पास इंटू में कितना आ गया कि नीचे में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए अब आपके पास क्या है ब्रैकेट में इधर क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के टू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस में टू एक्स स्क्वायर हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में आ गए जो ब्रैकेट के अंदर थे और नीचे जो है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो ये हमने इस तरह से इसको लिख देना है और इसके बाद जो है बाहर जो दूसरी अगली वाली टर्म थी वो जैसी है एज इट इज़ वैसी ही लिख दी जाएगी। तो
अब आप क्या देखते हैं कि आपके पास दो टर्म्स आ गई और दोनों में जो है आपका नीचे जो है वो क्या है टू एंड आर इन टू में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो है अब क्या आया ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में आ गया। तो ए स्क्वायर क्या होगा टू ए स्क्वायर, और माइनस के टू एक्स स्क्वायर आपके पास थे ही। तो अब नीचे जो है क्या है टू अपॉन टू इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर न्यूमरेटर में से टू कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और नीचे जो है जैसा आपका था उसको वैसे का वैसा आपने जो है लिख दिया। अब टू से टू कैंसिल हो गए, और देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है नीचे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनसे ये सिंप्लीफाई होके कट के क्या आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।